हम इस बार इस मौके से चूक गए तो फिर 5 साल का पछतावा होगा। क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि ये आपकी और हमारी खुशहाली चाहते ही नहीं। ये बात आपको और हमें समझने की है। और जब कोई नेता किसी एक जात का या बिरादरी का या धर्म का झुकाव करने लगे तो वहीं से उस नेता का पतन शुरू हो जाता है। इस वोट को आप इसका ऐसा सदुपयोग करें, इसको सही जगह पर डालें, ऐसी जगह डालें जहां आपके वोट की कदर हो। सीधा सीधा देश की राजनीति पर हमारे वोट का प्रभाव डालेगा। तो इसीलिए आपसे मैं गुजारिश करने आई हूँ कि आपका जो ये वोट है, इस वोट को आप इसका ऐसा सदुपयोग करें, इसको सही जगह पर डालें, ऐसी जगह डालें जहां आपके वोट की कदर हो, जहां कोई आपके बीच आए आपके सुख दुख में, आपकी परेशानी में, आपकी परेशानियों का निस्तारण करा सके या उन्हें संसद तक उठाने का काम। डबल इंजन की सरकार चल रही है और पिछले 5 साल से हमारे जो यहाँ से सांसद जी हैं उनका कार्यकाल भी आप सबके सामने है। इतने धरने हमने यहाँ मील पर दिए, एक भी धरने में हमारे सांसद जी ने आकर किसी की पूछ नहीं करी कि क्या परेशानी है, ना ही कोई भी हमारी भुगतान बकाया भुगतान की डिमांड संसद में उठाई, ना MSP के दावे का मुद्दा एक बार भी उठाया। और ना मुझे उम्मीद है शायद आपके बीच भी पूरे 5 साल में कभी नहीं आए होंगे। तो जो सत्ता है, डबल इंजन की सत्ता है, उसका लाभ भी तभी होगा हमें जब हमारा जनप्रतिनिधि कोई ऐसा हो जो हमें लाभ पहुंचाना चाहता हो। हर जगह प्रधानमंत्री आके काम नहीं कर सकते, हर जगह मुख्यमंत्री नहीं काम कर सकते, यहाँ के काम यहाँ के MLA यहाँ के MP यहीं के लोग कर सकते हैं। और जब वही लोग हम ऐसे चुनेंगे जिनकी इच्छा ना हो हमारे लिए कुछ करने की, तो फिर 5 साल का पछतावा रहेगा। आज 5 साल के पूरे कार्यकाल के बाद ये वक्त आया है हमारे पास। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हमने उन्हें बिना मांगे अपना वोट दिया, 90% एक तरफा वोट दिया। और जब बिना मांगे कोई चीज दी जाती है तो उसकी कदर कहीं नहीं होती। तो जब हम धरनों पर बैठते थे, सब बड़े बुजुर्ग यही कहते थे, परेशानी में ही धरनों पे बैठा जाता है, कोई अपनी मर्जी से खुशहाली में नहीं बैठता। अपने ही पेमेंट के लिए जब आप धरने देते थे और वहां हम सब बैठते थे तो बड़े बुजुर्ग यही कहते थे कि अब के मौका आएगा तो अब बताएंगे। आज ये मौका आपके हमारे सामने है। अगर हम इस बार इस मौके से चूक गए तो फिर 5 साल का पछतावा होगा। तो ये जो सरकार है इसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आपका और हमारा 200-300 करोड़ जो मिलों पे है वही ये दिलाने में क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि ये आपकी और हमारी खुशहाली चाहते ही नहीं। ये बात आपको और हमें समझने की है और इसी को सोचते हुए अपना वोट देने की है। तो ये टाइम है आपका, आपने जो पूरे 5 साल परेशानियां झेली हैं उसका जवाब देने का यही वक्त है। और माध्यम है वोट, और किसी तरीके से हम जवाब नहीं दे सकते। तो इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग सही जगह वोट डालें। मैं भी क्षेत्र की बेटी हूँ, मेरे पिताजी यहाँ से विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, और उन्हें खास तौर पर जाट समाज का बहुत लगाव था उन्हें जाट समाज से, और बहुत प्यार उन्हें मिला। यहाँ से जब वो मुजफ्फरनगर लड़ने गए थे लोकसभा का चुनाव, तो भी वो आप सबके दमखम पर ही वहां लड़ने गए थे। तो आप लोगों ने हमेशा परिवार को प्यार दिया, मेरे पिताजी को अपनाया, उन्हें कई बार जनप्रतिनिधि बनाया, और उन्होंने भी हमेशा मजबूती के साथ आप सबकी सेवा करी आज। और कभी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं करा, ना वो इस बात में यकीन करते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि किसी भी नेता की कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, ना बिरादरी होती है। उसके जो लोग हैं, उसकी जो जनता है, उन्हीं का घर, उन्हीं की जातियां सब उसकी अपनी होती है। और जब कोई नेता किसी एक जात का या बिरादरी का या धर्म का झुकाव करने लगे तो वहीं से उस नेता का पतन शुरू हो जाता है। तो यही उनकी सीख है और इसी को आगे लेकर मैं चलना चाहती हूँ। और उसके लिए मुझे आज आप सबके साथ की जरूरत है। आज अगर आपने अपना आशीर्वाद और समर्थन मुझे दिया तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आने वाले वक्त में
जिस तरीके से मेरे पिताजी आप सब लोगों के लिए तैयार रहते थे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, मैं भी मजबूती के साथ आपसे आगे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहूंगी। इसी के साथ आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।